इंडस्ट्री की बड़ी खबरें लेकर हम आ गए हैं। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो इंडस्ट्री की आज की गई है वो है कृति सेनन की आने वाली फिल्म को लेकर, जो है मीना कुमारी की बायोपिक। कृति सेनन को एज अ मीना कुमारी फैंस ने ऑलरेडी एक्सेप्ट भी कर लिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बायोपिक को डायरेक्ट करने वाले हैं फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, और उनका इसी के साथ डायरेक्टोरियल डेब्यू होगा। सेकंड खबर है आलिया भट्ट की। आलिया वैसे तो हर तरफ छाई ही रहती हैं, और अब आलिया भट्ट ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट ग्रैब कर लिया है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स के बारे में तो सब जानते ही है, लेकिन अब इसमें एक फीमेल लीड एक्ट्रेस की एंट्री होगी और वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के साथ YRF की पहली फीमेल लेड स्पाई यूनिवर्स की फिल्म बनाई जाएगी। अगली खबर भी आलिया भट्ट की ही है। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह इंडिया की कई सिटीज में टूर करते नजर आएंगे अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को प्रमोट करने के लिए। और उससे पहले देखने को मिला उनका ये फंकी साइड। दोनों बहुत ही कलरफुल आउटफिट्स में दिख रहे हैं, जिस पर रॉकी और रानी लिखा है। करण जौहर ने ये वीडियो शेयर किया है। दोनों भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं और अपने सॉन्ग झुमका पर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, और इन्हें ज्वाइन करते हैं करण जौहर। नेक्स्ट खबर है करीना कपूर की, जो इस वक्त अपनी फैमिली वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। करीना ने एक और तस्वीर शेयर की है जहां उनके पीछे खूबसूरत पहाड़ देखे जा सकते हैं। इसी लोकेशन की एक तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी शेयर की और लिखा, पिंक क्लाउड्स एंड मी।